हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 50 PA++++ क्रीम के बारे में। इसी क्रीम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये क्रीम पैराबिन फ्री क्रीम है। ऑल टाइप स्किन के लिए ये क्रीम है। ये क्रीम बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, बहुत ही आसानी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है ये क्रीम। PA++++ या SPF 50 इस क्रीम में मिलाया गया है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में हेल्प करती है। आज हम इसी क्रीम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सनस्क्रीन क्रीम के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। इस क्रीम के फायदे क्या है, इस क्रीम के नुकसान क्या है, कवर कैसे इस क्रीम का प्रयोग किया जाता है, सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल ज्ञान सीबी पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और इस सनस्क्रीन क्रीम के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस सनस्क्रीन क्रीम का फायदा क्या क्या है, किन किन समस्या में इस क्रीम का प्रयोग किया जाता है। गर्मियों के मौसम में अक्सर धूप में हमें बाहर निकलना पड़ता है और धूप में निकलने से हमारी त्वचा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है, तो आप चिंता मत कीजिए। यदि आप कहीं धूप में बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि आप धूप में कहीं बाहर जाते हैं तो इस सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। इस सनस्क्रीन क्रीम में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया है। ये क्रीम हमारी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है। यदि आप सनस्क्रीन क्रीम चुन रहे हैं तो PA++ वाली कोई भी क्रीम काफी अच्छी होती है और बहुत ही सुरक्षा प्रदान करती है। सूरज की किरणें विभिन्न प्रकार की होती है, जो हमारी त्वचा को प्रमुख नुकसान पहुंचाती है, UVA, UVB, जबकि UV किरणें जलन का कारण बनती है। UVA किरणें हमारी त्वचा को समय से पहले बूढ़ा कर सकती है, जिससे झुर्रियां और उम्र के धब्बे हो सकते हैं। यदि आप इस सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग करते हैं तो ये हमें सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाती है और हमारे चेहरा को सुरक्षा प्रदान करती है और त्वचा को हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करती है। यदि आपके भी चेहरे पर दाग धब्बे की समस्या है, पिगमेंटेशन की समस्या है, झुर्रियां की समस्या है, तो आप इन सभी समस्या में इस सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्रीम नॉन ग्रीसी है और हमारे त्वचा में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। ये क्रीम हमारे डैमेज स्किन को रिपेयर करने के काम करती है, साथ ही उम्र से पहले आने वाले त्वचा में झुर्रियां को भी रोकती है। ये क्रीम स्किन को इवन टोन करती है। यदि आपकी स्किन में पिगमेंटेशन की समस्या है तो ये क्रीम काफी फायदेमंद होती है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इस सनस्क्रीन क्रीम का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर लगाने के आधे घंटे बाद सनस्क्रीन क्रीम को लगाएं। सनस्क्रीन क्रीम आपकी स्किन को सूरज के यूवी रेज से सुरक्षा देती है, इसीलिए आप कोई अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने के बाद इस सेफ सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आपको इस सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग कब करना चाहिए। जब आप धूप में निकलने वाले हो तो उससे कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको आपके शरीर के एक्सपोज होने वाले हिस्से जैसे चेहरे, गर्दन, हाथों पर सनस्क्रीन क्रीम को पहले ही लगा लेनी चाहिए। उसके बाद आपको धूप में निकलना है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में सनस्क्रीन क्रीम का नुकसान क्या क्या है। वैसे तो इस क्रीम का कोई भी नुकसान नहीं है। इस क्रीम में कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया है, जो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।